तो ये हमारी है रॉक स्टार दादी, आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। ए बाबू, तो दोपहर वीडियो 12 बजे डाल दिया मैंने और अब मैं आगे ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि वीडियो डेली डाला करो डेली डाला करो। तो एक दिन तो मिस हो गया है, अब वीडियो मिस नहीं होगी, आपको डेली वीडियो मिलेंगी। टाइम का मैं पक्का नहीं बोलता क्योंकि मेरे को एडिट करने में दिक्कत हो जाती है, रात को नींद आ जाती है। पहले शादी से पहले मेरे को नींद नहीं आती थी लेकिन अब नींद आने लगी, पता नहीं क्यों। ऐसे स्वाति है क्या बताऊँ मैं, क्यों नींद आ जाती है तो मुझे भी नहीं पता। आप लोग बता, कमेंट करके बताओ मुझे क्यों नींद आ जाती। देखो फिर काय काय। तो चाय का टाइम हो गया, चाय पी रही है दादी और भाभी। ये नंगू भी पी रहा है। हाथ पैरी बिस्कुट खा लिया है, वो एकदम चुप ही बैठ जाती है। बोलो भैया ये मेरा भतीजा, ये मेरी भतीजी, देखो दोनों बहुत शैतान है। आपको लगता है आपको इतना शरीफ है, ये शरीफ नहीं है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चाय पी ले चाय। भाई जी देखिए 12:46 हो रहा है, अब नहा के आई है ये, देख रहे हो। नोएडा में ये अपने मन की चलाती है, किसी की नहीं सुनती है, हर जगह अपनी चलाती ना। अरे यार क्या करके मानोगी तुम, क्यों ससुराल में तो अपना 7-8 बजे नहा धो के तैयार हो जाती थी और यहाँ पे देखो 1 बजे वहाँ पर भी यही करती थी। आप ही बनाते थे वीडियो भी, अभी तक नहीं नहाया इसने, जबकि मैं नहा लेती थी। इधर शक्ल दिखा दो एक बार, अभी दिखाओ तो एक बार, अरे एक बार हल्का सा अभी भी लग रहा नहीं नहाई। हमारी देखो दादी बेचारी सब्जी काट रही और दोनों नत बहू है और वो पंती, ये देखो फोन चला चला बेटा चलाओ, ऐश करो। स्वाति आती दादी को काम पे लगा दिया तुमने। अरे नहीं मैंने तो, अब देखो तुम्हें कितने हेट मिलेंगे, लोग कमेंट करके बोलेंगे। अरे नहीं मैंने मना किया, दादी कह रही है कि हम बैठे रहेंगे, सब्जी काटे कुछ करवाती नहीं है, सब्जी काटने दे दो कुछ दादी। मैं दादी से पूछता हूँ, दादी सच बोलेंगी। हाँ। दादी आप सब्जी क्यों काट रही, आप सब्जी क्यों काट रही, नहीं अरे तो आप सब्जी काटने थोड़ी आई हो, अरिया में भी आप काटती हो, पोल खोल रही हो आप सबकी। अच्छा नहीं तो अब आप 80-85 साल की हो गई हो तो आप सब आप रेस्ट करो। अभी बुढ़ो करा, अरे क्या बात है, अभी दादी जवान है हमारी, अभी दादी 18 साल की हैं, सब्जी काटना सीख रही हैं। तो गाइस देख लो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, मैंने दादी को बोला 80-85 साल की हो गए, अभी कहाँ 80-85 साल के, अभी हम जवान हैं। देखो अभी भी हमारी दादी, तो दादी ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वाति और भाभी बैठ के फोन चला रही हैं, दादी इसलिए सब्जी काट रही हैं, दादी ये कह रही हैं हमसे थोड़ा बहुत काम करवाया करो ताकि हमारे हाथ पैर चलते रहे, क्योंकि अगर ऐसे बैठकर फोन चलाएंगे सब्जी नहीं काटेंगे या कुछ भी काम नहीं करेंगे तो 80-85 साल तो मुश्किल है। स्वाति तुम्हारा 80-85 साल मुश्किल है तुम्हारा। अच्छा है। तो हमारी दादी अपने मन से काम कर रही हैं। हाँ कहीं आप लोग कमेंट कर लो दादी से काम करा रहे हो, दादी हमारे मजबूत होना चाहती हैं इसलिए काम, देखो 85 साल की होगी। नहीं है अभी। दादी क्या बोल रहे हैं? हाँ अभी नहीं है 85 साल की, अभी नहीं है दादी 85 साल की, अभी दादी 16 साल की है। अभी भागवत सुन के आई है दादी, है दादी? क्या नाम है उनका जिन्होंने आपको भागवत सुनाई है? जिन्होंने भागवत सुनाई है नाम क्या है उनका? अनिरुद्ध आचार्य। मैंने भी सुने तो उनके अच्छे लगे मेरे को, आपको भी अच्छे लगे ना। और एक दो चीज उन्होंने हमें ऐसी चीज बताई जो हमें खुद नहीं पता थी। हाँ जैसे कि अभिमन्यु की माँ का नाम क्या था मुझे नहीं पता था, उन्होंने बताया सुभद्रा। हाँ ये देखिए मैंने सोचा स्वाति दिया क्यों जला रही है लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही राज है। गरम है यार, ये तो काजल बनाने की निंजा टेक्निक है। ये देखिए
ये देखिए काजल बनाया जा रहा है, ये देसी काजल। क्यों मैं तुम्हें वैसा वाला महंगा वाला दिलवाता नहीं हूँ? दिलाते हो फिर? नहीं दिलाते, दिलाते हो नहीं दिलाते हो? हाँ। वही बात है ना, तुम्हें चाहे जितना अच्छा दिला दो तुम्हें आएगा देसी ही पसंद, क्योंकि देसी देसी ना बोला कर छोरे रे। तो आज हमारी दादी जीन्स पहन रही है। ये दादी सुनो, दादी लाइफ एक बार मिली है, एक बार पहन के देखो, बाहर मत जाना। नहीं कहीं जाना, बाहर मत जाना। हाँ तो घर में ही पहन के देखो, ये तो हो जाएगा कि हमने लाइफ में जीन्स पहन के देखी। भाभी आप, भाभी और स्वाती दादी को जीन्स पहनाओ। अब दादी को बनाया थोड़ा फॉर्मल, फॉर्मल नहीं मॉडल, मॉडल बनाया दादी को। ये हमारी दादी, हटो। ये हमारी मॉडल दादी। अरे वाह, कोई कुछ नहीं कहेगा, मम्मी कहे अपनी लाइफ है जियो। हमारे लड़का मुकुल पास जाए फटे आगे देखो। ये हमारी दादी देखो। कल ऐसी चलो दादी मूवी देखने आप। ये दादी ने कर दिया सबको फेल। कैसी लग रही भाभी? अच्छी लग रही दादी। बताओ स्वाति जाओ खड़ी हो। अब चल के दिखाओ दादी, एक दो कदम चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, ऐसी चलो। ये दादी का पैंट सर का जा रहा है। कोई बात नहीं दादी, बहुत अच्छी लग रही हो, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। तो हमारी दादी ने ये पहली बार पहना और बहुत अच्छी लग रही है सच में दादी। मैंने दादी को बोला दादी लाइफ एक बार मिली है, पहन के देखो, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, नहीं तो बाद में अफसोस होता है कि यार मैं कर नहीं पाई। अब देखो आपने ये भी पहन ली लाइफ में और मैक्सी भी पहनी, सब कुछ करके देख लिया आपने, अब क्या चाहिए। ये देखो कितनी अच्छी लग रही दादी भाई, मेरे को फेल कर दिया दादी ने। यो ऐसा करो दादी फिर से। ये तो दादी ने सबको फेल कर दिया और वापिस आ गई अपने रंग में। हाँ तो ये पहली बार पहना ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी दादी। आप कमेंट कर देख लेना आप कितने अच्छे अच्छे आएंगे। तो दादी के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अगर अच्छे कमेंट आए तो फिर से दादी को पहनाएंगे, अगर अच्छे कमेंट आए तो फिर से आपको पहनाएंगे कपड़े। तो अब खाना खाने जा रहे हैं और आज से हमारी दादी का नाम है रॉक स्टार दादी। यो बहुत अच्छा लगा, 5 ही मिनट पहनी दादी ने, दादी को शर्म आ रही थी। कोई बात नहीं, अब कल जाएंगे दादी को मूवी दिखाने के लिए। अब आप समझ जाओ कौन सी मूवी दिखाएंगे। सूर्यवंशी। आज बनाए हैं भिंडी की सब्जी पराठे, मेरी फेवरेट। आ जाओ जिसको खाना है, बाजू मत कहना बुलाया नहीं। तो गाइस रात के 11 बज रहे हैं, अब मैं वीडियो एडिट करने वाला हूं और आपको टाइम पे वीडियो मिला करेंगे सुबह 9 बजे। तो कैसी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दादी कैसी लगी? ट्रेंडी दादी। बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। मतलब 5 ही मिनट पहनी दादी ने, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी दादी, पहली बार पहनी दादी ने साड़ी। तो आप लोग भी ट्राई करके देखो, अपनी दादी पे पहना के देखो और स्क्रीनशॉट भेजना मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाऊंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरा। तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।